हरे कृष्णा। बुक्स टू कृष्णा में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम कृष्णा द रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर यानी रसराज श्री कृष्णा प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारी पांचवी प्रस्तुति है। ये पुस्तक बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की लिखी हुई है, जो कि फाउंडर आचार्य इस्कॉन के हैं। प्रभुपाद जी ने अगस्त 1973 में रामेश्वरा में कहा था कि जो मंदिर होते हैं हमारे, वो कोई जगह सोने के लिए या खाने के लिए नहीं है। ये एक बेस है जहां से कि हम अपने जो सन्यासी हैं, हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, जो हमारे जो डिवोटी हैं, उनको हम बाहर भेजते हैं माया से लड़ने के लिए। और उनको हथियार क्या देते हैं, उनके हथियार हम देते हैं इस प्रकार की पुस्तकें देते हैं। जिस तरीके से लड़ाई में एरोप्लेन से हजारों लाखों बॉम्ब गिराए जाते हैं, उसी तरीके से ये जो हमारे सैनिक बाहर जाते हैं, भक्त बाहर जाते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, माया से लड़ते हैं, वो लड़ते हैं इन पुस्तकों के साथ। तो पुस्तकों का महत्व बहुत ही ज्यादा है अज्ञान से बाहर निकलने के लिए और कृष्णा तक पहुंचने के लिए। तो इस पुस्तक में हम लोग ये जो कवर करेंगे, मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी किताब जरूर पढ़ें। तो ये बेसिकली एक सारांश है। कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, ये एक चैप्टर है इस किताब का, जिसमें प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ इफ आवर कॉन्शियसनेस इज प्योर, नेक्स्ट लाइफ विल बी स्पिरिचुअल। यानी कि मृत्यु के समय में अगर हमारी जो आत्मा है, हमारी अंदर शुद्धि है, हम लोग प्योर हैं, तो हमारी जो अगला जन्म होगा वो स्पिरिचुअल होगा, या अगला जन्म हो सकता है होगा ही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर शुद्धता नहीं है, हमने उसके लिए मेहनत नहीं करी है, तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम लोगों का जो आत्मा है, हमारी जो शरीर से ढका हुआ है, शरीर के अलावा, इसके अलावा हमारा मन है, बुद्धि है और अहंकार है, इन सब चीजों से हम लोगों का ढका हुआ है। तो हमें इन तीनों चारों चीजों को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वी हैव बिकम फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशन। यानी कि जब हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हम किसी भी डेजिग्नेशन के साथ लिंक नहीं रहते हैं। यानी कि भाई मैं ये हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका पुत्र हूं, मैं यहाँ पे काम करता हूं, उन सब चीजों से हम लिंक नहीं रहते हैं। हम हमेशा अपना रिश्ता जो है कृष्णा के साथ ही जोड़ते हैं और कृष्णा के साथ ही हमारा आगे बढ़ता है। कृष्णा का जो नाम है, कृष्णा की जो गुण है, कृष्णा का जो शब्द है, वो हर एक चीज जो है वो कृष्णा के साथ लिंक है। तो भगवत गीता जो है, भगवान की जो पूरी वाणी है, वो पूरी की पूरी एज इट इज भगवान ही है उसमें, क्योंकि भगवान का जो शब्द है वो भगवान ही है। तो भगवत गीता को हमें भगवान से कम किसी तरीके से नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जब हम भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं, तो ये हमेशा माने कि भगवान से हमारी डायरेक्ट वार्तालाप हो रही है। उसको एक साधारण पुस्तक मत लीजिए। कृष्णा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हृदय की बात हमें शायद सुनाई नहीं दे रही है। तो जब पुस्तक खोलते हैं, जो कृष्णा बोल रहे हैं वो पुस्तक से हमें मिल रहा है। कृष्णा इतने ही ज्यादा हमारे से उनका दोस्ताना व्यवहार रहता है कि वो हमारे साथ जन्म से जन्म, जन्म से जन्म हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कभी भी वो हमें छोड़ के नहीं जाते, वो कभी भी हमें नहीं भूलते हैं। हम लोगों ने जन्म और एक जन्म दूसरे जन्म से लेके काफी सारी चीजें, अवगुण हमने जमा कर रखे हैं। उन अवगुणों को धोने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कृष्णा की जो लीलाएं हैं, कृष्णा की जो कथाएं हैं, उनको हम सुनते रहें। वो सुनते रहेंगे, भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, तो हमारी जो अंदर की जो आत्मा है वो तृप्त हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी और हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। हम लोग दुखी होते हैं किसी चीज के अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती है या हमारे को कोई चीज का नुकसान हो जाता है। तो ये जो दुखी होने का जो प्रोसेस है, वो एकदम ही भागवत में बताया गया है। इसको हॉग्स हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस कहा गया है। यानी कि जो
सुअर होता है वो बहुत खुश होता है और वो मलमूत्र को खाता रहता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो बल्कि देखा जाए तो वो उसको किसी भी तरीके से उसको उसमें खुशी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो रखी। वही हमारा भी हाल है, हम पूरे जग में खुश भी होते हैं और हमें लगता है इससे हमारे को खुशी मिल रही है, लेकिन हमारा भी हाल सुअर वाला ही है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म भूत की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने वाला है। वो कहते हैं कि इफ वी आर सिचुएटेड इन ब्रह्म भूत, वी विल नाइदर बी डिस्ट्रेस्ड नॉर विल बी हैंकर, वी विल व्यू इक्वली एवरी वन एंड एवरी थिंग, दैट इज अ मोड ऑफ गुडनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम ब्रह्म भूत में रहते हैं तो हम कभी भी कैसी सिचुएशन के लिए में हम कभी भी किसी चीज की लालच नहीं करेंगे, ना ही हम किसी चीज में दुखी होंगे, ना ही हम किसी चीज के लिए खुश होंगे। हम हर सिचुएशन में एक समानांतर रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में रहने से हम एक अच्छाई के सिचुएशन में रहते हैं। अच्छाई के सिचुएशन में रह के ऐसी सिचुएशन में भगवान हमारे को बहुत ही प्यार करते हैं। भागवतम जो है मीन्स द साइंस ऑफ गॉड, द साइंस ऑफ गॉड इज प्रिजर्व। तो अगर हम भागवतम की कथाएं पढ़ते रहते हैं तो हम धीरे धीरे करके ब्रह्म भूत तक पहुंच जाते हैं। इसलिए भागवतम का सेवन करना, भागवतम की चर्चा करना, भागवतम को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारी मटेरियल बॉडी है तब तक हमें काम करना है, ये भी प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक हमारी मटेरियल बॉडी है तब तक हमें काम करना है। लेकिन काम किस तरीके से करना है, काम कहाँ करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काम को रोक तो नहीं सकते, काम तो करते रहना है, लेकिन काम किस तरीके से करना है इसके बारे में प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, वी शुड नॉट टेक द फ्रूटिव रिजल्ट ऑफ अवर वर्क दैट इज मेंट फॉर गॉड। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसका जो फल है वो हमारे लिए नहीं है, हम तो दास हैं। जो भी फल होता है वो ईश्वर के लिए है। तो सबसे पहली चीज ये हमेशा याद रखिए। और जो भी हम कार्य करते हैं उसमें शुक्रता होना चाहिए। शुक्रता मतलब कि वो शुद्ध होना चाहिए, दुष्कृता यानी इम्पायस एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। जो भी कार्य करते हैं उसको हमें ईश्वर के लिए डॉवटेल करना चाहिए, ईश्वर के लिए उसको जोड़ना चाहिए, ईश्वर के लिए हमें उसको मिलाना चाहिए हर चीज में, तभी वो कार्य ठीक करने वाला है, नहीं तो वो दुष्कृता हो जाता है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ईश्वर के सबॉर्डिनेट हैं, हम ईश्वर के नीचे हैं हर कार्य में। समटाइम द सर्वेंट ऑफ गॉड बिकम्स द मास्टर ऑफ गॉड, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। ये बताने का तात्पर्य ये कर रहे हैं कि ईश्वर इतने कृपालु हैं कि वो अपनी कृपा बरसते रहते हैं और वो अपने दास के भी दास बन जाते हैं। इसका वर्णन कई बार भागवतम में आता है कि भगवान तो अपने दासों के भी दास होते हैं। फिर बुद्धि योग के बारे में वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। इसके बारे में ये बताते हैं, दैट मीन्स दैट वी हैव फुल कॉन्शियसनेस दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, कि जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तभी हम बुद्धि योग हैं, वरना हम बुद्धि योग नहीं हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी हम करते हैं, जो भी फल होता है, वो सब कुछ ईश्वर के लिए ही है। एंड व्हेन देयर इज लॉस, कभी भी नुकसान होता है तो हमें उसके बारे में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, उसको ही खुशी करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें कभी भी किसी लिहाज से किसी काम के ना तो खुश होना चाहिए ना ही दुख होना चाहिए। द ट्रांसेंडेंटल नेचर वी हैव टू डेवलप, दिस इज द ट्रिक ऑफ डूइंग वर्क। फिर काम के बारे फिर बताते हैं प्रभुपाल जी कि एज सून एज वी वर्क ऑन द लेवल ऑफ बॉडीली कॉन्शियसनेस वी बिकम बाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी वर्क, यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अगर हम भौतिक रूप से उसके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, बॉडीली रूप से उससे इन्वॉल्व रहेंगे, तो उसका रिएक्शन यानी कि नेगेटिव रिएक्शन हमको लेना पड़ेगा, वो हमारे कर्म पे भारी पड़ेगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी बट वेन वी वर्क थ्रू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वी आर नॉट बाउंड बाय आइदर, यानी कि हम जब आत्मा के तरफ से काम करते हैं और ईश्वर के नौकर बन के काम करते हैं और ईश्वर के लिए काम करते हैं हर चीज में, तब हमें उसके कर्मों का फल नहीं लेना पड़ता। इन अवर मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इफ यू थिंक आई एम हैप्पी दैट इज फुलिशनेस। रूपा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि हम लोग बहुत कहते हैं, कई लोग कहते हैं मैं खुश हूं, मैं खुश हूं,
पर अगर शास्त्रों के हिसाब से चला जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं हम किसी भी लिहाज से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि भौतिक जग में आप खुश नहीं रह सकते हैं, और जब तक आप आध्यात्मिक तरफ से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी जो खुशी है उसमें खोट है। उसके बाद प्रभुपाद जी नेक्स्ट चैप्टर में हु इज क्रेजी में आते हैं और बताते हैं कि अगर हमें अपनी आत्मा को, सोती हुई आत्मा को जगाना है तो हमें जप करना चाहिए, माला जप करना चाहिए। जो हमारी आत्मा है वो सो रही है, वो भौतिक चीजों से ढकी हुई है और वो एक निद्रा के रूप में है, उसको जगाने के लिए हमें जप करना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो हमें मौका मिला है इंसानी जन्म का, उसको हमें, अगर उसको हम पूरी तरह से, हम ठीक तरह से नहीं उसको उठाएंगे भगवान तक पहुंचने के लिए, तो हम 84 लाख योनियों में फिर से फंस जाएंगे। तो यानी कि हम वाकई में मूर्ख हैं अगर हम उसका मौका नहीं उठाते हैं। फिर एक और आगे जाके प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम कैसे मूर्ख हैं, कि वो कहते हैं कि हम लोग जो है दिन रात काम करते रहते हैं, हम लोग कर्मी हैं, कर्मी यानी काम करते रहते हैं, और आखिरकार जो भी हम काम करेंगे, रात को खाना तो हमने वही दो रुपए की रोटी ही तो खानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग जो है गधे के बराबर हैं, यानी गधा वही शाम को जो उसने थोड़ा सा भूसा खाना है वही खाना है, और दिन भर वो पागलों की तरह काम करता रहता है। दूसरी तरफ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं हम उसमें भी फंसे हुए हैं, वो इंद्रियां हैं 5 घोड़ों की तरह हैं, और वो इंद्रियां हमारे को ढकेले जा रही हैं और हमें फेंके जा रही हैं और हम उसमें फंसे जा रहे हैं। तो एक तरफ से हम अगर गधे हैं तो भी हम गधे हैं, अगर हम घोड़े हैं तो भी हम गधे ही हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि योर एम ऑफ लाइफ शुड बी टू रियलाइज योर सेल्फ दैट यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट। आपको ये जिंदगी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आपको ये मालूम पड़े कि हम जो हैं ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही हिस्से हैं, और हमारे को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। जब कंट्रोल कर पाएंगे तभी हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। फिर आगे फिर इसी चैप्टर में रूपाल जी बताते हैं किस तरीके से हम लोग मूर्ख हैं, कि वो कहते हैं कि वन इज अवेक हु हैज अंडरस्टूड द सिंपल फैक्ट दैट आई एम नॉट द बॉडी। वही जाग रहा है जिसको मालूम पड़ गया कि वो शरीर नहीं है, और बाकी के सब सो रहे हैं जो कि अपने सब कुछ सारी चीजें शरीर के साथ ही लिंक कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाय हियरिंग द गीता यू कैन चेंज योर डिजायर। तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो हमारे को अलग अलग जगह पे ढकेल रही हैं, तो अगर आप गीता पढ़ते हैं सुनते हैं तो आपकी इच्छाएं भी बदलती जाती हैं, आपकी इच्छाएं भी शुद्ध होने लगती हैं। When your desires disturb you, you may know that you are not yet spiritually established. तो अगर आपकी जो इच्छाएं हैं वो उसको आपको हमेशा मन को अशांत रखती हैं, तो आप हमेशा रखिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपको ईश्वर तक नहीं ले जा रही हैं। जो इच्छाएं आपको ताकत देती हैं, आपको एनर्जी देती हैं, थकान नहीं देती हैं, आपके मन को शांति देती हैं, वही इच्छाएं हैं जो कि भगवान तक पहुंचा रही हैं। तो भगवद गीता पढ़ने से आप उस रास्ते पे ठीक तरह से चल पाते हैं। हमारी की जिंदगी का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए 9 प्रोसेस बताए गए हैं भक्ति के रास्ते में, सेवा के रास्ते में। एक तो है कि आप हियरिंग करें यानी सुने भगवत ज्ञान को, माला जपें, भगवान को याद करें, भगवान को प्रार्थना करें, हर जगह भगवान को एक्सेप्ट करें, भगवान की सेवा करें, और हर एक चीज जो है भगवान को ऑफर करें, भगवान को दें, भगवान से एक संबंध स्थापित करें और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहें। भगवान की लीलाएं सुनना और भगवान का नाम जप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो जो अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो हम लोग मूर्ख हैं, यही प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं प्रभुपाद जी कि हमें जो भी इच्छा करनी है वो सारी इच्छाएं हमें भगवान के लिए करनी है, ना कि अपने लिए करनी है। तो हर एक चीज जो भी इच्छा करो तो भगवान के लिए ही करो, ना कि अपने लिए करो। अगर आप भगवान की जो भगवान ने जो चीजें बताई हैं भगवद गीता में, जो भागवतम में जो बताई हैं, अगर आप वो उद्देश्य बना लेते हैं कि मैं इन सब चीजों का प्रचार करूंगा तो भगवान वाकई में बहुत खुश होंगे। इसके बारे में भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि
एंड यू कैन देयर बाय प्यूरिफाई योर सेल्फ, देयर विल बी सफिशियंट एक्टिविटीज। तो अगर आप भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान का लीलाएं आप अगर आप फैलाते जाते हैं तो आप अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे और इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मौके मिलेंगे। सो वी डोंट हैव टू स्टॉप अवर एक्टिविटीज नॉर अवर डिजायर बट वी हैव टू डॉवटेल देम। प्रभुपाद जी फिर से कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को, अपने काम को बंद नहीं करना है, लेकिन हमें उन सब को, सारे कामों को कृष्णा की खुशी के लिए करना है। कृष्णा ने जो मार्ग भगवद गीता में दिया है उसकी तरफ करना है। तो जब हम डवटेल करते हैं तो उससे क्या होता है, हम ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हम थकते नहीं हैं। और जब हमको भौतिक चीज करते हैं तो हम थक जाते हैं। वेन यू आर एंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज यू विल नॉट गेट टायर्ड। भगवत इसमें फिर रूपा जी कहते हैं कि आप थकेंगे नहीं और बल्कि आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। एंड इफ यू यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड देन यू बिकम डवटेल विद हिम। इस तरीके से आप भगवान की इच्छा के साथ जुड़ सकते हैं। फिर आगे जाके रूपा जी कहते हैं कि जो देवता हैं वो भी ईश्वर को नहीं जान पाए हैं तो मनुष्य क्या जान पाएगा। फिर रूपा जी कहते हैं कि अगर कोई भक्त है तो वो जरूर जान पाएगा ईश्वर को। तो इसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रकृति जो है, जो भी चीजें हो रही हैं वो टेम्पररी है, वो झूठ नहीं है। प्रकृति में जो हो रहा है वो झूठ नहीं है, लेकिन वो जो है टेम्पररी है। और हमें जो भौतिक चीजों की जो जो चेतनाएं हैं उससे अगर हम दूर जाएं, उससे मुक्त हो सकें तो ही उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति इज यूज टू मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द मटेरियल कॉन्सेप्शन एंड रिटर्न टू प्योर कॉन्सेप्शन। यानी भौतिक चीजों से निकल के शुद्धता की तरफ, आध्यात्म की तरफ जाने का मार्ग जो है उसको मुक्ति कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमेशा के लिए तो नहीं है। कर्म जो है वो आज जो किया है वो कल खत्म हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें जो आप कर रहे हैं भगवान की तरफ कर रहे हैं वो हमेशा के लिए रहता है। भगवद गीता टीचेस दैट वी मस्ट प्यूरिफाई अवर एक्टिविटीज ऑन ऑर्डर टू ड्रॉ अवर कॉन्शियसनेस बैक फ्रॉम द मटेरियल एंटेंजलमेंट। यानी कि भगवद गीता कहता है कि हमें भौतिक चीज से निकल के आध्यात्मिक चीज में जाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे जाके कहते हैं कि जो हम लोग जीव प्राणी हैं, हम लोगों को चार हम लोग डिफेक्ट्स हैं। क्या चार डिफेक्ट्स हैं कि हम लोग जरूर गलतियां करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं, नंबर टू। नंबर थ्री, हमारे में हमेशा एक वो रहती है कि हम चीटिंग करें, हम लोग चोरी करें, नंबर चोर। चार क्या है, हमारे जो इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो दूषित हैं, फॉल्टी हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि एज लॉन्ग एज वी आर अटैच टू सच डेजिग्नेशन, जब तक हम अपने आप को डेजिग्नेशन के साथ अटैच रहेंगे तब तक हम फंसे रहेंगे। डेजिग्नेशन यानी कि हाँ भाई मैं राजा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम मूर्ख हैं। हमें अपनी आत्मा की स्थिति में आना है। इफ वी मेक प्रिपरेशन टू गो टू द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड वी गेट अ स्पिरिचुअल बॉडी। यानी कि अगर हम पूरी तरह से इस तरीके से तैयारी करते रहें ईश्वर तक जाने के लिए तो धीरे धीरे करके हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, और आत्मा जब हमारी तृप्त हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो हम ईश्वर तक जरूर पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। लॉर्ड एडवाइजेज अस नॉट टू गिव अप वर्क। तो भगवान कहते हैं कि आप काम को छोड़िए मत, बट काम को ईश्वर की तरफ जोड़िए। जब ईश्वर की तरफ जोड़ेंगे तभी वो काम आपको ईश्वर तक ले जाएगा। और आखिर में जाके प्रभुपाल जी इस किताब में कहते हैं कि जो हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो बहुत ही बंदर की तरह है, वो रेस्टलेस रहती है, उसको संभालना बड़ा ही मुश्किल है। जब तक हम जप ना करें और अपने आप को भगवान के ध्यान ना करें तब तक हम अपने मन और बुद्धि को हम नहीं नियंत्रित कर सकते हैं। द जिस्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज दैट वन टेक्स व्हाटएवर कैपेसिटी और टैलेंट ही और शी हैज एंड डवटेल। तो मोटा मोटी बात ये कहते हैं प्रभुपाद जी फिर से कहते हैं कि जो भी आपकी गुण हैं उन सब गुणों को आप कृष्णा की तरफ लगाएं, तभी आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
फिर इसके बारे में आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता जो है, अगर आप सुनते रहेंगे, भगवत गीता का ज्ञान लेते रहेंगे, तो क्या होगा, आपके जो पिछले जन्म के जो सारे कर्म हैं वो सारे धुल जाएंगे और आप ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। इस चैप्टर में आखिर में किताब में प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि माई डियर लॉर्ड, यू आर सो काइंड दैट यू हैव इन्वेस्टेड ऑल पोटेंसी इन योर होली नेम। यानी कि कहते हैं कि भगवान के नाम में सारी की सारी शक्तियां भगवान ने डाल दी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान को थैंक्स बोलते हैं कि आपने इतनी कृपा करी है प्रभु कि आपने सारी शक्तियां अपनी, सारे गुण जो हैं नाम में डाल दिए हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमने अपना इस किताब का हमने सारांश आप सबको सुनाया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा।